सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। सो आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पे कैसे आ गया, कहाँ से आ गया और मेरा गेटअप को क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। तो भैया ये जो घर है ना, ये मेरे दोस्त का घर है और मैं यहाँ पे आया हूँ छुपने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भैया हमने ना यहाँ पे बैंक रॉबरी कर दी थी, जिसके बाद भाई पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुकी है और वो ढूंढ रही उस रॉबर को। सो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और आप लोग ये सोच रहे हो मैंने गेटअप क्यों चेंज करा, तो आज जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने दोस्त की हेल्प करने गया था और वहां पे मेरे काफी ज्यादा दुश्मन बन चुके थे। तो ये वही जगह है जहां पे मेरे काफी ज्यादा दुश्मन हैं और भाई वो मुझे देखते हुए मार डालेंगे। और फिलहाल मुझे कोई भी झगड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने बैंक रॉबरी किया है और ऐसे में अगर झगड़ा हो जाता है एंड कुछ भी पुलिस को लग गया कि भाई हम ही रॉबर हैं, तो अपना तो गलती सीन हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहां पे देख लो भाई गेटअप चेंज करके आया हूं और देखो मेरा पूरा लुक्स क्या ही तो लग रहा है। मतलब ये जो है ना, ये मेरा मास्क है, ठीक है, मास्क है और इसको मैं लगा के यहाँ पे आया हूँ। बाकी यार यहाँ पे आप लोग देखो मेरे दोस्त के पास कितने मस्त मस्त यहाँ पे गाड़ी हैं। तो भैया मैं एक गाड़ी लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ बीच के साइड पे, तो वहीं पे अपना हेलीकॉप्टर भी होगा, तो वहां से मैं अपना गेटअप वगैरह चेंज करके अपनी सिटी के अंदर चला जाऊंगा। ओके, तो अभी हम लोग बीच के साइड पे आ चुके हैं, तो मैं इसको यहीं पे रख दूंगा और भाई अपना हेलीकॉप्टर भी आ चुका होगा तो उस पर हम लोग बैठ जाएंगे। एंड जो अपना गेटअप यार इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो चलो यार जल्दी ये कपड़े वगैरह चेंज करके अपनी सिटी की तरफ निकलते हैं। ऑल राइट, तो गाइज यहाँ पे मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिए हैं और भाई अपना हेलीकॉप्टर भी आ चुका है और ये जो पैसों वाला बैग आप देख रहे हो, इसके अंदर भाई मेरे मिलियन ऑफ डॉलर हैं जो कि अपने बैंक से हमने चुराए थे। और आप लोगों ने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लेना, बहुत ही मजेदार वीडियो था। तो अभी हम लोग अपनी सिटी की तरफ निकलते हैं अपने घर के अंदर और भैया मेरे को एक मस्त गाड़ी लेनी है सबसे पहले। तो हालांकि अभी हम लोग ना सारे का सारा पैसा यहाँ पे वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हम लोग सीधा यहाँ पे वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है कि यार पुलिस को शक हो जाए हम पे, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा अर्निंग सोर्स भी नहीं है। और अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो गया कि भैया इस आदमी के पास इतने पैसे कहां से आए, तो हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन करे और हो सकता है कि यार हम पकड़े जाएं। तो इस वजह से मैं अभी फिलहाल के लिए तो बहुत कम पैसे स्पेंड करने वाला हूं और जैसे ही मतलब ये मामला शांत होगा तो हम लोग यार और भी ज्यादा अपने मस्त मस्त कार वगैरह खरीदेंगे। मैं सोच रहा हूं यार ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया तो इसको भी मैं खरीद लूं, क्योंकि आप लोगों बताओगे ये जो हेलीकॉप्टर ये मेरा अपना हेलीकॉप्टर नहीं है, ये यश ने मेरे लिए बुक करके भेजा हुआ था। सो इस वजह से मैं सोच रहा हूं कि इस हेलीकॉप्टर को भी खरीद लूं। बाकी हम लोग अपने घर के ऊपर आ चुके हैं और इसको मैं लैंडिंग भी करवा देता हूं। यार खास मेरे को मतलब हेलीकॉप्टर चलाने का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हां फिर भी यार यहां पे मैं लैंडिंग करवा देता हूं। और ये जो पैसे मैंने लाए हुए ना गाइस, इसको हम लोग बैंक के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि बैंक के अंदर अगर रखने जाएंगे तो बताना पड़ेगा कहां से आए क्या करे। तो इस वजह से ये जो पैसा ना ये अपने घर के अंदर ही रखने वाला हूं मैं, जब भी जरूरत होगी तो निकाल के मतलब हम लोग खरीद लेंगे। बाकी हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड हो चुका है और यहाँ से हम लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो चलो यार मैं वो नीचे जाता हूँ और ये जो पैसे हैं, पैसों से भरा जो बैग है, इसको यार मैं अपने कमरे के अंदर छुपा के रख देता हूँ। और भैया मेरे को एक बाइक भी लेनी है, तो उस बाइक को भी मैं यहाँ पे खरीदने वाला हूँ। चलो यार अपना रूम जो है यहाँ पे साइड पे है, बट मैं ये पैसे जो है यहाँ पे नहीं रखने वाला, मैं जाऊँगा ऊपर की साइड पे। ऊपर की साइड पे मेरा मतलब लाइब्रेरी टाइप का कुछ है, तो वहीं पे मैं इसको छुपा के रखने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो कवर्ड्स वगैरह है ना छोटे छोटे, इनके अंदर मैं रख दूँ पैसे। तो चलो यार इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने पैसे रख दिए हैं और भाई मैं अभी नीचे जाने वाला हूँ। और मैंने ऑनलाइन पे ना एक मस्त सी बाइक देखी थी, अरे यार गिर गया मैं क्या ही बोलूं। तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे ना एक बाइक बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, तो मैंने उसको ऑर्डर भी कर दिया था। बट आपको पता है यार अपना लुक है, मतलब हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं थे, तो इस वजह से जो डिलीवरी है उसकी वो नहीं हो पाई। अभी ना मैंने उसके पैसे भी दे दिए हैं और भाई वो उसने बोला है कि भाई जल्दी आपका जो बाइक है वो यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, पता नहीं यार कैसी बाइक होगी वो, बट आई होप सो कि यार अच्छी बाइक हो, हमारे पैसे जो वेस्ट ना हो। अब यार मैं आपको उसका रेट बता देता हूँ। भाई साहब आप लोग शॉक हो जाओगे, मैंने $1,000,000 देके उस बाइक को खरीदा है। मेरे को नहीं पता उस बाइक के अंदर ऐसा तो क्या चीज है, बट हाँ जो भी होगा आई होप सो कि यार अच्छा ही हो। ओके, तो गाइस अभी उस डिलीवरी का मेरे को कॉल आया था, उसने बोला कि आपकी बाइक डिलीवर हो चुकी है और ये देखो भाई साहब अपनी खतरनाक वाली बाइक, भाई क्या ही तो मत लग रही है यार। मेरे को लगना है आपने $1,000,000 के जो है वर्थ इट थे, मतलब भाई क्या ही तो मस्त, मतलब डेविल वाली बाइक है यार, इसको चलाना तो मंगता है यार। चलो यार इसको ड्राइव करते हो, भाई साहब क्या ही तो रॉयल वाली फील आ रही है यार। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलाते। ओ ये क्या हुआ, मेरी बाइक यार भाई ब्लास्ट हो गई क्या, इससे सारी की सारी मतलब गाड़ियां भी ब्लास्ट हो सकती हैं क्या। चलो यार मुझे नहीं पता भाई, अपनी बाइक तो चली गई बट अपने पास ये जो बाइक है ये काफी बढ़िया बाइक है, तो यार इसको हम लोग ले जाएंगे और इस
एपिसोड चला के देखते हैं कि यार और भी जो गाड़ियां होंगी ना उन गाड़ियों को क्या ये डैमेज कर पाता भी है या फिर नहीं। तो उठाओ यार अपनी गाड़ी और भाई साहब मस्त लग रहा है, मतलब मैं क्या बताऊं यार, बहुत प्यारा सा ये लग रहा है मुझे। अभी सामने की साइड भी एक गाड़ी है तो चलो यार इसके साइड पे मैं चलता हूं। क्या ये ब्लास्ट होगा? ओ भाई साहब हवा में उड़ा दिया यार मेरे को, मतलब देखो वो ब्लास्ट हो गई गाड़ी, वहां पे ब्लास्ट हो चुकी है। मतलब कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली बाइक है यार, अगर ये हो गई ना तो भाई साहब अपने ना काफी ज्यादा मिशन जो है करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी मुझे। ये मेरे को मतलब सबसे फेवरेट बाइक बन चुकी है यार। भाई साहब देख रहे हो भाई कितना मजेदार ये बाइक है यार, मतलब आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना यार। ये काफी बढ़िया था सच्ची बता रहा हूँ, मतलब मेरे पैसे वसूल हो गए यार पूरी तरीके से। तो जब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरे पास यश का कॉल आया तो उसने बोला कि भाई पुलिस को शायद शक हो चुका है कि हमने बैंक रॉबरी की है और वो जल्दी अपने घर के अंदर रेड कर सकते हैं। अभी देखते हैं यार आगे क्या होता है। बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखते तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सो गो बाय बाय टेक केयर।